हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तेलंगाना स्टेट बोर्ड के बायोलॉजी सब्जेक्ट के क्वेश्चन के बारे में। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो थर्ड चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर में जितने भी हमारे क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा पहला कीवर्ड्स आता है और व्हाट वी हैव टू लर्न, ये जस्ट एज ए नॉर्मल आपको पढ़ने के लिए टेस्ट बुक में क्या है उसके लिए, ठीक है। और ये आता है इम्प्रूव योर लर्निंग, इम्प्रूव योर लर्निंग में ये क्वेश्चन आता है हमारा, यहाँ पे 13 है। एंड बैक साइड देख लेते हैं, एंड बैक साइड में यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भी दे दिया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है यहाँ पे, एंड चूज द करेक्ट आंसर यहाँ पे है। तो फाइव चूज द करेक्ट आंसर है, उसके बाद द रेजोस फैक्टर्स, ये इतना इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सो जस्ट वी लुक एट इन दैट ओनली हियर ओनली। तो हम यहाँ तक ही देखेंगे। तो चलिए हम अपने आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सेकेंड चैप्टर आता है ट्रांसपोर्टेशन, और ये जो भी है उनके हैज कुछ भी जिसने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया उनके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो सबसे पहले हम कीवर्ड्स को देखते हैं। तो जो हमारा कीवर्ड्स यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जो हमारा कीवर्ड्स हैज़ बहुत ज़्यादा है, जो हमारे टेक्स्ट बुक में है ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। उसमें जितने भी हमारे चैप्टर में मेन पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स आते हैं, ये उसमें का सब है कीवर्ड्स, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं ये पूरा आपको दिखा दूँगा। चलो देखते हैं, आप अपने टेक्स्ट बुक से जो कीवर्ड्स मिलता है उसको मैच कर लेना, ऐसा नहीं मिलता है आपको जो इम्पोर्टेंट लगे आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई मतलब कि कुछ भी नहीं होगा, क्लास वर्क में आप जो इम्पोर्टेंट आपको लगे इस चैप्टर में इस कीबोर्ड्स में वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन आप अपने टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ तो गया, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा आता है ये, कितना कीबोर्ड्स है यार, चलो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा कीबोर्ड जो है वो है नेक्स्ट है, ठीक है। जो आता है ये राइट एडजस्टमेंट, लेफ्ट एडजस्टमेंट, राइट माइनस, क्या क्या है यार, कुछ भी आते हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट हुआ, नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। ये हुआ लैंडिंग स्पोर्ट्स वन मूवमेंट प्रजोन, अरे यहाँ चलो यार नेक्स्ट देखते हैं। फिर ये नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ तक, आप वीडियो को पूछ करके लिख लेना, ठीक है। ऐसे मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा समय के लिए हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट कीबोर्ड हम चलते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट कीबोर्ड है जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और ये हमारा नेक्स्ट, फिर ये नेक्स्ट कीबोर्ड है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट, फिर ये नेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट है, लास्ट ही है एंडिंग कीबोर्ड्स का, ठीक है। कीबोर्ड्स का एंडिंग है, क्वेश्चन आंसर का नहीं। चलो ये हो गया हमारा, नेक्स्ट आते हैं। अब आता है हमारा इम्प्रूव योर लर्निंग। तो जो हमारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन सर हैं ऐसे जितने उतने हम देखे थे आपने, तो ये हमारा पहला का आंसर है, ठीक है। ये हमारा पहला का आंसर है, आप देख सकते हो क्या फुले, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये हमारा पहला का आंसर हुआ, ठीक है ना। अब ये आता है हमारा सेकेंड का आंसर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड एंड प्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये ब्लड और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस बिटवीन है, ये दिखा रहा था तुमको, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। तो जो अब हमारा नेक्स्ट आता है, थर्ड क्वेश्चन आता है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ब्लड वेजल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट,
व्हाट इज़ द थ्री मेन टाइप्स ऑफ ब्लड यूजफुल इन द बॉडी, विच इज़ द लार्जेस्ट एरिज इन द ब्लड, ठीक है देख लो आप, विच इज़ द ब्लड वेसल कैरीज ब्लड फ्रॉम ऑक्सीजन, ठीक है ये आता है. नेक्स्ट व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट होता है ना, प्लेटलेट किसी का बढ़ जाता है किसी का घट जाता है, वो प्लेटलेट के बारे में पूछा है, ठीक है ना. चलो आठ क्वेश्चन हो गया, नाइन्थ पे चलते हैं. ओह नाइन्थ थोड़ा बड़ा है, ठीक है देख लेना आप. राइट डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोडल डिस्ट्रोल, ठीक है पढ़ लेना ठीक से. मुझे क्या ही बोलूँ मैं, कैमरा के देख में कैमरा में देख के पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है. वेंस आर्टिस, वेंस और आर्टिस के भी डिफरेंट पूछता है, ठीक है ना. आप पढ़ लेना ऐसे, कैमरा में कुछ गलत पढ़ देता हूँ तो ऐसे मत सोचना कि पूछा है, ठीक है ना. ये हो गया हमारा. नेक्स्ट आता है एस्क्लेम फ्लूमा, ठीक है मोस्ट, ठीक है ये हमारा ये हुआ नेक्स्ट डी का, ठीक है एस्क्लेमा फ्लूम, ये हुआ नाइन्थ का ही है, ठीक है ना. ये हुआ हमारा टेंथ का. एक्सप्लेन द वे हाउ प्लांट्स अवॉइड्स वाटर फ्रॉम सॉइल, ये चिड़ी कितनी तेज से चल रही है, चिड़ी चिड़ी चिड़ी. मैं चिड़ी का वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है सॉरी. ये हमारा हुआ. नेक्स्ट चलो नेक्स्ट चलते हैं. अरे यार चलो ये देख लो, ठीक है ना. चलो नेक्स्ट ये हमारा हुआ इलेवेंथ, ठीक है इलेवेंथ हुआ ये. ये हमारा ट्वेल्थ हुआ. ये हमारा थर्टीन में इतना सारा था, मैंने बोला था ना आपको ये इतना 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 यहाँ पे आंसर है यार. थर्टीन का इतना हो गया क्या यार, देखना आप. सॉरी आप यहाँ से देख लो. थर्टीन का ये आंसर है, ए इधर है, आंसर इधर है, ए आंसर है बी, ए इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है देख लो. चलो नेक्स्ट चलते हैं. ये हुआ जी का और फोर्टीन का भी हुआ, ठीक है ना. चलो नेक्स्ट ये फिफ्टीन हुआ हमारा, फिफ्टीन का आंसर हुआ. अरे रुक जा मेरे भाई, ये फिफ्टीन का हुआ, ठीक है. चलो ये सिक्सटीन हुआ हमारा, आप देख सकते हो ये सिक्सटीन हुआ. ये सेवेंटीन हुआ हमारा, ठीक है सेवेंटीन का ये इतना. ठीक है ना, और ये एटीन हुआ, ये एटीन हुआ, ठीक है ना. ये नाइनटीन हुआ, आप देख सकते हो क्यों फ्री, ठीक है ना. और ये ट्वेंटी हुआ हमारा. कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ब्लड प्रोफेसर ऑफ योर स्कूल टीचर योर नेबर. हाँ हाँ अब यही काम हो गया हमारा, ब्लड खोजते चले. ये देखो दो डिस्क्रिप्टिव आंसर है, ठीक से इसको ठीक से देखना, ये ही बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, ठीक है. डायग्राम इसमें जितने भी है सबको ध्यान रखना. ये देखो यहाँ पे ये 22 का ही है, ठीक है ना, सॉरी 21 का ही है, सॉरी 22 यहाँ से स्टार्ट होता है, 22 इधर से स्टार्ट होता है, 22 इधर से पूरा ये, ठीक है 23, ठीक है. कौवा चिड़ैया तो चिड़िया उड़िया बोल रही है तो उस पर मत देना आवाज, यहाँ हाँ मेरी आवाज़ पे ध्यान देना, ठीक है 23, ये भी है 23 का, ठीक है ठीक है. और ये रहा 24 का, ओए ये क्या बना दिया, अच्छा अच्छा हाँ 24 का, ठीक है देख लो यहाँ पे. ये रहता है हमारा 25, ठीक है 25 देख सकते हो, ये रहा हमारा 25, ये देखो 25 का यहाँ तक भी है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है. ये रहा फिर से हमारा
ठीक है ना। ये रहा चूज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ पे चूज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ यहाँ यहाँ, ये रहा आंसर, फर्स्ट का ए, सेकंड का डी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का बी, ये हुआ। तो जो हमारा चैप्टर था थर्ड चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन, तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे की वर्ड्स और चूज द फिल इन द ब्लैंक चूज आंसर जितने भी थे, हमने इस वीडियो में सारे के सारे डिस्कस कर लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।